यादव के करीबी बालू कारोबारी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात करीब 12 बजे सुभाष यादव को ईडी की टीम साथ में लेकर गई है। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। फिर रविवार सुबह राजद नेता को बेउर जेल भेज दिया गया। ईडी ने शनिवार को सुभाष यादव के 6 ठिकानों पर 14 घंटे छापेमारी की थी। उन पर अवैध बालू कारोबार से जुड़े मामले में ये कार्रवाई हुई है। वहीं जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान दानापुर स्थित आवास से 2 करोड़ कैश मिले। इसके अलावा संपत्ति से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। वे ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हैं। जांच एजेंसी शनिवार की सुबह दानापुर में तकियापर पर स्थित घर, सगुना मोड़ स्थित मां मर्चिया देवी अपार्टमेंट, दानापुर बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ स्थित पानी प्लांट, शाहपुर थाना के क्षेत्र के ऑफिस सहित कई ठिकानों पर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे। छापेमारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान ईडी ने उनके कारोबारी सहयोगी विजय यादव के यहां भी छापेमारी की थी। इससे पहले भी कई बार इनकम टैक्स सीबीआई की टीम बालू कारोबारी सुभाष यादव के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। सुभाष यादव बालू के कारोबार से जुड़े ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवार के करीबियों में इनकी गिनती होती है। इससे पहले भी कई बार इनकम टैक्स सीबीआई की टीम बालू कारोबारी सुभाष यादव के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। राजद नेता सुभाष यादव ये पूर्व विधायक ही नहीं बल्कि पिछले बार लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड के चतरा से उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। चतरा से राजद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके सुभाष प्रसाद यादव अकूत संपत्ति के मालिक हैं। लालू यादव से उनका कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, लेकिन ये उनके करीबी बताए जाते हैं। ईडी के रडार पर कई ऐसे सफेद पोश हैं जिन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आयकर विभाग ने राजद के एक नेता के ठिकानों पर जांच की थी। बता दें कि आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल के ठिकानों पर आयकर टीम के द्वारा 6 घंटे से अधिक समय तक छापेमारी की गई। तलाशी में आयकर अधिकारियों ने बड़ी संख्या में दस्तावेज समेत कई कागजात जब्त किए हैं। जब्त कागजात में विभिन्न वित्तीय संस्थानों में निवेश के अलावा कई स्थानों पर जमीन जायदाद में भी निवेश से जुड़े कागजात शामिल हैं। सुभाष यादव का लालू प्रसाद से बहुत पुराना और गहरा नाता है। एक समय में सुभाष यादव दानापुर स्थित लालू के खटाल की देखरेख किया करते थे। बाद में वो बालू के अवैध धंधे पे उतर गए। फिर उन्होंने एक सिंडिकेट बनाई, छोटे छोटे बालू माफियाओं को उससे जोड़ा और इसके बाद ब्रॉडसन के नाम से कंपनी बना डाली। सूत्र बताते हैं कि सुभाष यादव को राजनीतिक संरक्षण लगातार मिलता रहा है। लालू प्रसाद के इतने खास हैं कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के दरमियान परिवार के लोगों के अलावा सुभाष यादव भी वहां मौजूद थे।